नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। पिछले दिन से लगातार एक खबर बिहार की सियासत में काफी ज्यादा चर्चा में है कि एक पार्टी के चार विधायक टूटकर राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामने वाले हैं, यानी तेजस्वी के साथ आने वाले हैं। जिस पार्टी की बात चल रही है उस पार्टी का नाम है AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में बड़े कारनामे करते हुए 5 सीटों पर उसने जीत दर्ज किया और खबर अब ये है कि 5 में से 4 तेजस्वी के साथ जाने वाले हैं। अब इस खबर को सबसे पहले आपको ये बता दें कि हवा कैसे मिली, क्योंकि पिछले दिनों अख्तरुल ईमान ने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया, वो पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अख्तरुल ईमान क्या लिखते हैं। वो लिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की तहरीक मजलूस इंसानों, कमजोर दलितों, पिछड़ों को इंसाफ दिलाने की तहरीक है। हमने इस पार्टी को पिछले 7 सालों से बिहार में इन्हीं लोगों की आवाज़ बनाने के लिए खड़ी की है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी बिहार के हर उस मजलूम इंसान की आवाज़ बनी हुई है जिसकी कोई आवाज़ नहीं है। हम अपने इलाके की तरक्की के साथ साथ पूरे बिहार के मजलूमों के साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में ओवैसी साहब का साथ देना, उनके साथ खड़े रहना, हक के लिए लड़ना हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है और जुल्म के खिलाफ लड़ना तो हमारे मजहब का भी हिस्सा है। तो अख्तरुल ईमान ने जब फेसबुक पर यह पोस्ट किया तो ये जो खबर चर्चा चल रही थी वो और ज़्यादा उसे हवा मिल गई कि शायद पार्टी के 4 विधायक अब AIMIM का साथ छोड़ने वाले हैं। और इसको लेकर अब अख्तरुल ईमान से कई दफ़ा बातचीत की गई और उनके विधायकों से भी बातचीत करने की कोशिश की गई। विधायकों ने सीधे सीधे बात करने से इनकार कर दिया, तो उनके सोशल मीडिया पेज को हमने खंगाला कि अगर कोई विधायक पार्टी नहीं छोड़ना चाह रहा होगा या केवल ये खबरें अफवाह होंगी तो उसने कम से कम अपने ऑफिशियली ट्विटर हैंडल या फेसबुक पेज पर तो जरूर कुछ ना कुछ इसको लेकर लिखा होगा। अगर खबरें गलत होंगी तो इसका खंडन किया होगा। लेकिन 5 विधायकों में से एक अख्तरुल ईमान और दूसरे मोहम्मद अंजार नईमी को छोड़ दें तो 3 विधायकों ने इसको लेकर कुछ भी नहीं लिखा है। 3 विधायक कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बता देते हैं। सैयद रुकनुद्दीन अहमद, शहनवाज आलम और मोहम्मद इजहार असफी, इन 3 विधायकों ने अभी तक इस खबर का खंडन नहीं किया है। लेकिन मोहम्मद अंजार नईमी जो कि बहादुरगंज से AIMIM के विधायक हैं, उन्होंने जरूर इस बात का खंडन किया है, इस खबर का खंडन किया है। देखिए वो लिखते हैं कि कुछ बातें जो सोशल मीडिया के द्वारा मेरे खिलाफ फैलाई जा रही हैं बेबुनियाद है, जिसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। मैं पार्टी सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब व सूबाई सदर अख्तरुल ईमान साहब एवं पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा इंशा अल्लाह। ये तमाम विधायक जो 5 AIMIM के हैं उनमें केवल 2 विधायकों ने, एक अख्तरुल ईमान जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा में विधायक दल के नेता हैं मीम के, उन्होंने, और उनके बहादुरगंज के विधायक उनका नाम है मोहम्मद अंजार नईम, इन 2 लोगों ने तमाम खबरों का खंडन किया। लेकिन 5 में से 3 विधायक शहनवाज आलम, मोहम्मद इजहार असफी और सैयद रुकनुद्दीन अहमद, इन लोगों ने तमाम चल रही खबरों का खंडन नहीं किया है। ऐसे में सवाल तो खड़े हो गए हैं कि क्या 4 नहीं 3 विधायक साथ छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या। कल भी हमने आपको इस तमाम खबर के बारे में विस्तार से बताया कि किस प्रकार से जो मीम के 5 विधायक हैं उनमें से लगभग सभी विधायकों का कहीं ना कहीं कोई संबंध राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा है, और जिस प्रकार से बिहार में अभी बड़ी पार्टी बनने की होड़ लगी है दूसरी पार्टियों को अपने में मिलाकर, उसे देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल भी शायद BJP के नक्शे कदम पर चलते हुए 76 विधायकों की संख्या अभी जो है उसकी विधानसभा में BJP की 77 हो गई है मुकेश सहनी के 3 विधायकों को मिलाने के बाद, तो BJP से
ज्यादा विधायकों की संख्या कराने के लिए या फिर एमएलसी चुनाव में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए वो एआईएमआईएम के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही होगी। और कहीं ना कहीं शायद कोशिश तो उस समय से की जा रही थी जब से मीम के 5 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे, अब तक नहीं टूटे थे, लेकिन क्या अब टूट जाएंगे? 5 में से 2 ने तो कहीं ना कहीं इसका खंडन किया है, लेकिन 3 ने अब तक कुछ नहीं कहा है, शायद चौथे की मनाने की तैयारी है। 2/3 के साथ टूटना होगा, तब जाकर आपका सदस्यता जो है विधानसभा में वो बचा रहता है, वरना वो खत्म हो जाता है जो दल बदल कानून है उसके अनुसार। तो देखना होगा आगे क्या कुछ होगा। हालांकि अख्तरुल ईमान से जब इस पर सवाल किए गए कई मीडिया चैनलों द्वारा, तो उन्होंने ये जरूर कहा कि महागठबंधन को जरूरत क्या है हमें तोड़कर अपने साथ मिलाने की या हमारे विधायकों को अपने में विलय कराने की। अगर आपको हमारे विधायकों की जरूरत है तो आप हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, हम गठबंधन के लिए तैयार है। ये असदुद्दीन ओवैसी का खुला ऑफर है महागठबंधन को, यानी तेजस्वी यादव को, कि वो आपके साथ अलायंस करना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव शायद कहीं ना कहीं मीम की जो छवि है उसको देखकर उससे अलायंस करने से बच रहे हैं, और शायद यही सोच रहे होंगे कि अलायंस से बढ़िया है कि उनके विधायकों को तोड़कर अपने पाले में लाया जाए और मीम का विलय किसी प्रकार से करा लिया जाए। लेकिन देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बिहार की सियासत अभी एआईएमआईएम के 5 विधायकों की संख्या ने गरमा दी है। राष्ट्रीय जनता दल क्या करने वाली है आगे, क्या कुछ चल रहा है तेजस्वी के दिमाग में, ये सब देखने वाली बात है। सब भविष्य में कुछ ना कुछ जरूर आपको होते नजर आएगा। एमएलसी का चुनाव है, 3रे सीट को जीतने के लिए आरजेडी को वाम दलों के विधायकों के अलावे एक और विधायक की जरूरत होगी। कहीं ना कहीं मीम के विधायकों पर उसकी नजर है, तो गठबंधन करके उनके वोट लेने से अच्छा शायद उन्हें अपने पाले में बुलाकर वोट लेना तेजस्वी को ज्यादा पसंद आ रहा होगा। तमाम खबरें अभी चल रही हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। आगे क्या कुछ होता है तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। अब बन रही है बोले भारत के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।